तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और ये है मेरे पास Realme Buds Wireless Pro। और आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि मैंने Realme Buds Wireless 2 भी यूज करे हैं। और मेरे सामने ये मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये मेरे पास डीजो वायरलेस पावर भी पड़े हुए हैं। तो ये नेकबैंड मेरे पास कुछ है जो पिछले एक साल के अंदर काफी फेमस हुए हैं। Realme Buds Wireless 2 और OnePlus Bullet Wireless Z के अलावा अभी तक पिछले एक से डेढ़ साल के अंदर कोई ऐसा नेकबैंड नहीं आया है जिसे देख के मैं कह सकूं कि हाँ, ये प्रॉपर नेकबैंड है और इसे आप खरीद सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर सिनेरियो चेंज होने वाला है, क्योंकि बोट यहाँ पर अपना पहला नेकबैंड लॉन्च कर रहा है जिसके अंदर आपको मिलेगा डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट। लेकिन ऑन पेपर तो ये नेकबैंड बहुत प्यारा, बहुत तगड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एक मेजर फीचर या इसके अंदर मिसिंग है, तो इसे खरीदने और ना खरीदने के बीच में एक मेन फैक्टर बन के सामने निकल कर आएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, और पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इंट्रो चलने देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मैं कौन से नेकबैंड के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये है बोट निर्वाणा 525 ANC, मतलब एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। बोट निर्वाणा सीरीज के अंदर नेकबैंड लॉन्च कर रहा है, पहले इनके रॉकर सीरीज के अंदर आते थे। प्राइसिंग की मैं स्टार्टिंग में ही बात कर लूं तो अप्रोक्स 2500 रुपए के आसपास ये आएगा। तो यहाँ पर देखो, 2500 की रेंज में किससे कम्पीट करेगा? बर्ड्स वायरलेस प्रो और Realme Buds Wireless 2, जो अब डिसकंटिन्यूड हो चुके हैं। तो सबसे पहले फीचर्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या मेजर मिसिंग है। सबसे पहला और सबसे हाईलाइटेड फीचर इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, वो है डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट। पहले इसके अंदर ड्रैक भी आया था, लेकिन सोनी हाईरेस नहीं है, डॉल्बी ऑडियो आपको मिल जाएगा। इनका बोट सिग्नेचर साउंड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ ही डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट भी इसके अंदर आपको मिल रहा है। फिर है हाइब्रिड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। एक होता है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, अब ये दूसरा है हाइब्रिड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, जिसके अंदर ये नॉइस को कैंसिलेट कर सकता है अप टू 42 डेसिबल प्लस, मतलब प्लस लगा हुआ तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जो एक काफी तगड़ी चीज है। फिर है IPX5 वाटर रेजिस्टेंट, आपको इसके अंदर देखो मिलेगा 11 mm के ड्राइवर मिलेंगे, ये शायद 13 mm के ड्राइवर है, 11 mm के हाई फिडिलिटी ड्राइवर्स मिल रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्यों ये 13 mm से ज्यादा अच्छे हैं। अगर आप इन्हें लगाकर ट्रैवल कर रहे हो, बाइक राइड कर रहे हो, तो भाई अंदर जो चल रहा है ना, उससे ज्यादा आपको बाहर की आवाज सुनाई देगी। तो जब ड्राइवर अगर छोटे होंगे तो कान के अंदर अच्छी तरीके से फिट हो जाएंगे और आपको एयर की नॉइस कम देखने को मिलेगी, तो इसलिए बेटर है। उसके बाद यहाँ पर डुअल पेयरिंग मिलता है। भाई बोट का ये फीचर मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। रियलमी के अंदर क्या होता है, हम स्विच कर सकते हैं कि इसके अंदर, या फिर मैं सामने जिससे शूट कर रहा हूँ 9 Pro Plus से, तो इसके अंदर मैं स्विच कर सकता हूँ। अब जब भी मैं स्विच करूंगा तो ये इससे डिस्कनेक्ट होके उससे कनेक्ट होता है। ये है रियलमी का सिस्टम, और OnePlus का भी आई थिंक यही है। लेकिन बोट के अंदर क्या है कि ये इसके अंदर भी कनेक्ट रहेगा, उसके अंदर भी कनेक्ट रहेगा। इस वाले फोन में गाने सुन रहा हूं और उसमें कॉल आती है, तो इससे गाने बंद होकर सीधा वो उसमें स्विच हो जाएगा और आप कॉल से मैं उससे बात कर सकूंगा पिक करके, मेरे को स्विच करने की जरूरत नहीं है। डुअल पेयरिंग इसका नाम है, और डुअल पेयरिंग ये फीचर हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, जो एक काफी तगड़ा फीचर है भाई। सीरियसली, ये रियलमी को अपने डिवाइस के अंदर एड करना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर इसके अंदर और क्या है, 30 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, काफी बढ़िया है। फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, क्विक स्विच बटन मिल जाएगा, ENX टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, बीस्ट मोड मिल जाएगा, गेमिंग मोड वो भी है इसके अंदर। ये सब तो हमें इसके अंदर देखने को मिल गया, लेकिन यहाँ पर एक मेजर फीचर है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो इसके अंदर मिसिंग है। अब हम नेकबैंड क्यों यूज करते हैं, ताकि हैंडी हो, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ना हो, जस्ट हमें गले में डाला, ऐसे खोला और अपने कान में लगा लिया, या फिर ऐसे बंद करके रख दिया, ठीक है। लेकिन बोट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर मैग्नेटिक कंट्रोल्स नहीं आते, और इसके अंदर भी मैं आपको बताता हूँ 70-80% श्योर हूं कि इसके अंदर भी आपको मैग्नेटिक कंट्रोल नहीं मिलेंगे, क्योंकि वेबसाइट पे कहीं भी मेंशन नहीं है। और ये फीचर इतना ज्यादा यूजफुल, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ब्रांड अपने नेकबैंड में इस फीचर को इंक्लूड कर रहा है, तो वो हमेशा 101% मेंशन करेगा प्रोडक्ट पेज पे कि इसके अंदर मैग्नेटिक कंट्रोल है, जबकि बोट निर्वाणा 525 ANC के अंदर ये मेंशन नहीं है, ना ही फ्लिपकार्ट पे, ना ही बोट के ऑफिशियल साइट पे। और अगर इसके अंदर मैग्नेटिक कंट्रोल नहीं है, तो भाई ये इस नेकबैंड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा, क्योंकि कोई भी नेकबैंड हो, कितना भी अच्छा फीचर दे दे, लेकिन जब आपको उसे यहां से बटन से प्रेस करके बंद करना पड़ रहा है, ऑन करना पड़ रहा है,
आपको हमेशा बैटरी की टेंशन रहेगी, क्योंकि बाय चांस आपने इसे ऐसे करके ऐसे खुला छोड़ दिया और आपने इसे बंद करना भूल गए, तो भाई ऑटोमेटिक अपने आप ही पीछे चलता रहेगा, डिस्चार्ज होता रहेगा। और एक और बात, अगर आपने वन प्लस यूज किया है, अगर आपने डीजो यूज कर लिया है, अगर आपने रियलमी के नेकबैंड यूज कर लिया है, तो भाई आप इसकी तरफ जाओगे ही नहीं। भले ये आपको इसके अंदर डॉल्बी एटमॉस दे दे, सोनी हाईरेस दे दे, भले ड्रैग दे दे, क्योंकि सबसे मेन होता है यूजफुलनेस, और ये सबसे बड़ा यूजफुलनेस फीचर होता है, क्लोज किया स्विच ऑफ, ये सबसे बेस्ट फीचर, सबसे बड़ा फीचर है इसके अंदर जो है मिसिंग है। अभी ऑन पेपर तो मेरे को यही लग रहा है, अब देखते हैं इन रियलिटी क्या पता ये दे दे, क्या पता है इन्हें ये फीचर इतना यूजफुल ना लग रहा हो इसलिए इन्होंने मेंशन ना करा हो। तो देखो मैं गारंटी नहीं ले रहा 101% की कि भी इसके अंदर ये सच में ही नहीं है, लेकिन 70-80% मैं कह सकता हूँ कि हाँ इसके अंदर ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको ये फीचर चाहिए या नहीं चाहिए नेकबैंड में, क्या आप इस फीचर को इग्नोर कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मैं कोशिश करूंगा इसकी अनबॉक्सिंग आप सभी के लिए लेकर आऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।